Boa, babu. मम्मी ने मारा, मम्मी ने लड़की के घर से इधर से जाता है और उधर से बुरादा हो, बुरादा जो चावल को रखता है ना, वो एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। सो आज की सुबह हो रही है मंदिर के सामने, अंबिका माता मंदिर में हम आए हुए दिगभरा के, तो यहीं से आज के दिन की शुरुआत करेंगे, आपको भी करवाएंगे माता रानी के दर्शन। और आप बताइए आप लोग कैसे हो। आज हमारे यहाँ होने वाली मेहंदी की रस्म कल होगी हल्दी, आप सबने वीडियोस देखी होंगी। अब बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये साड़ी कैसा लग रहा है। हल्का साड़ी है लेकिन कम्फर्टेबल है गर्मी के दिनों में। तो सब लोग जोर से बोलिए जय माता दी। सो मंदिर में जाने का तो पहले से मन बना कर आए थे हम, और इच्छा भी थी कि दर्शन करने जाए माता रानी के। तो मम्मी ने कहा था कि सुबह सुबह ही उठ के चले जाओ, जैसे कि 4:30 बजे उठ जाओ और 5:30-6 बजे तक पहुंच जाओ मंदिर में, तो खाली मिल जाएगा। वरना शायद वहाँ पे रूल है कि दरवाजे मंदिर के बंद हो जाते, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, ऐसे मम्मी ने कहा था। तो हमने प्रसादी वगैरह इसी दुकान से ले ली, ये मैंने मौसी से मांग के लाया था खास पूजा करने के लिए। आपका काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, जिन्होंने देखा होगा उनको तो पता ही होगा। पीछे बड़ी सी महादेव की भी मूर्ति है और यहाँ पर भी, ये मंदिर में भी बहुत सारा स्पेस है। हमारा तो दर्शन बहुत आसानी से हो गया। आप कभी गए हो इस मंदिर में, कैसे दर्शन हुए थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लड्डू रो रहा था तो कंचन ने कहा कि भाभी इसको टीका लगवा दीजिए महादेव जी का। ये देखिए पीछे महादेव की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है, तो फिर वो मैंने अपने लिए भी टीका लगा लिया, क्योंकि आपको पता है मुझे ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद है। बहुत बढ़िया से पूजा हो गई यहाँ पर, टिका भी काफ़ी लगा लिए, बहुत अच्छा लगा। मंदिर बहुत सुंदर है ये, और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कमेंट में भी कि दीदी इस मंदिर में ज़रूर जाना, भगवती देवी का, अंबिका माता का मंदिर में। और मेरे सासू माँ ने भी कहा कि आई हो तो घूम आओ, इसलिए फिर मैं आज आ गई सुबह सुबह। कल आने वाले थे कल नींद ही नहीं खोली, तो आज सुबह सुबह उठ कर आ गए। और ऐसा लगता है कि दिन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। तो प्रेम से बोलिए माता दी, हर हर महादेव। आइए देवू कितना में हो, कम हाई वाला वही ना 110 का है। हाँ तो कम नहीं करो, 5 को 6 को ले लो बाकी 100 रुपये लगेगा। 5 को 6 को लेते तभी हो, 100 रुपये लगेगा, 10 रुपये तो कम कर दी। इतना कम कर लो तो उतना हो जाता। 5 को 50 थोड़ी ना ले भाई थी, 5 को 50 रुपये कम किया, अब कितना कर कर दीदी। पानिया नहीं कहीं रखे, पानी नहीं पकड़ना है, भगवान जी है जी का। तो इतना दीजिएगा बताइए ना। देखो एक के बार में इतना खरीद ले लियो तभी कम नहीं करी। हम लोग दर्जन लाते हैं, 1 रुपए नहीं कम करते हैं। अब तो एक है, एक है, अब तो बात भले 6 गो है, आधा दर्जन लिए बोल रहे एक गो है, तो हम लोग दर्जन सुन रहे हैं लाते हैं। तो फिर आप एक दर्जन लाते हैं, हम आधा दर्जन कस्टमर होके खरीद लिए। ठीक है तो हम आपसे ही ना 5 रुपए लेंगे, कहीं और जाएंगे कमाने, बताइए। तो थोड़े बहुत सामान खरीदे मैंने मेले में से और हम लोग घर आ गए। तो घर आके देखा तो दुल्हन को हल्दी चढ़ रही थी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे रूल होता है कि हल्दी एक बार जब चढ़ जाती है ना, तो शादी होने तक टोटल 5 बार हल्दी चढ़ती है, जो 5 से 7 लेडीज़ मिलकर घर की ही औरतें लगाती है। तो टोटल अभी जब तक वो उसकी शादी होगी ना, शादी तक, शादी के लिए निकलेगी घर से, तब तक टोटल 5 बार उसको हल्दी चढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी मतलब, लेकिन लगेगी। अभी 2 बार हो गई सुबह से।
क्योंकि फिर ना दोपहर के बाद वो बैठ जाएगी मेहंदी लगाने के लिए। आज मेहंदी का भी फंक्शन है ना, तो ये सजावट हमने खुद से ही करी है क्योंकि हमारा मन था कि हम ऐसे सजाए। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ प्लान नहीं था सजावट का वगैरह, तो एंड टाइम पे तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है ना सब कुछ अरेंज करना। तो हमने खुद से ही साड़ी वगैरह से ऊपर गेंदे के फूल लगा कर, मैंने कंचन ने और मेरी मौसी सास की एक और लड़की है कोमल, हम तीनों ने मिल के किया और दुल्हन ने इसको मैंने सजाया है। आप बताइएगा कैसी लग रही है और डेकोरेशन आपको ऐसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एकदम हंसी मजाक करो तो मजा आता है, मसी है कि नहीं? चुपचाप रहने से मुंह लटका के बैठने से क्या बनाने से काम मिलेगा? क्या बोलूंगा, हंसते रहो, जीवन है तो हंसते रहो, दुख सुख लगा हुआ है। एकदम सही बोले मस, ये मां छोड़े है, मासी बहुत ज्ञान की बातें बोलती है। हमको देखो मस्त रहते हैं, है उसी में मस्त, एकदम मस्त, हैप्पी के ऐश। हाँ हाँ खा ली खाना, हाँ हाँ मैं दोनों बोला जाके खा के आया। अरे उल्टा चला के बोला जाके बोल रहा है, इनका ये नाम लिखा रहा है यहाँ पर फूलों से, किसको चाहिए? उसी से ओवरलोड हुआ लगता है। इस तरफ ऑन कर, लड़की का नाम नीतू का एन, लड़के का नाम राजेश का। अरे तुम दोनों सेम सेम कपड़े पहनी हो, वीडियो बना लो ना एक, हाँ फोटो तो खिंचवा लो। कैसे लड़ रही है दोनों बताओ, बोलते सेम सेम कपड़े नहीं पहन रही, नहीं प्यारी लग रही है दोनों, दोनों का कहना है हम सेम सेम कपड़े पहन के फोटो नहीं खिंचवाएंगे, बताओ ना तैयार हुई है ना कुछ, इनको खाली घर के कपड़े दे दो ट्राउजर और टी शर्ट बस। सो ये फाइनल सजावट कंप्लीट हो गई, एन आर नीतू एंड राजेश लिखा हुआ है, नीचे मेहंदी लिखा है फूलों से। और ये डेकोरेशन सजावट कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वाह मौसी वाह, मौसी एकदम मस्त, मौसी बिंदास। और ये मेरा मेहंदी का लुक है, जिनके पास ग्रीन कलर अवेलेबल था उन्होंने ग्रीन कलर पहन लिया, जिनके पास नहीं था उन्होंने नॉर्मल पहना, हमने सोचा कि जो है उसी में करेंगे। तो आप लोग बताइएगा मेरा ये लुक अच्छा लग रहा है क्या आप लोगों को? मेरा मौसी कितना सीरियस होके बोल रही है, थोड़ा हंस के थोड़ा हंस के बोल, एकदम सीरियस सीरियस फोटो आवे तो ज्ञान की बातें तू बोले ज्ञान रहा है, ये मार्केट दे दे पर उस रहे हैं, फोटो नहीं खींची थी और रिकॉर्ड करे थे दादा, ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान के लिए भी ज्ञान बांटनी है, ये चीज छोटी है ना मेरे से बेटी, लेकिन छोटी है हमसे बहुत तेज सब ऐसे ही डलवा दे आवाज के साथ है, आवाज के साथ ही डलवाएं हम ब्लॉग में सब। हाँ आवाज के साथ ही कहाँ के सब गवार आगे बांध। सो गई थी मैं थोड़ा सा, नींद लग गई थी यार।
सुबह जल्दी उठी थी ना मंदिर जाने के लिए, तो अभी नींद आ गई थी। अभी देखती हूँ दुल्हन को मेहंदी कहाँ तक लगी है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और देखो ना मेरे हाथ में क्या हो गया, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। दुल्हन की मेहंदी लग गई है, दिखाना मुझे। हाँ इतनी सुंदर मेहंदी लग रही है। ये बाबू ने लगाई मेहंदी वहाँ से लड्डू ऐसे भुकुआ बना के आता है, वही से देवता पुजारता है। ये भी हमारी मौसी है, मामी भी कुछ कर रही है। सब मिल के बनाइएगा, उसमें पड़ेगा। हाँ, कसार बनेगा, उसमें पड़ेगा। खाना तो मिस्त्री बना लेता, लेकिन ये सब तो अपने से बनाना पड़ेगा। खाना तो मिस्त्री बनाइए, ये सब अपने से बनाना पड़ेगा। बादाम पड़ेगा, इलायची पड़ेगा, काजू पड़ेगा, किशमिश पड़ेगा, घी पड़ेगा। कितना काम हो जाता है शादी ब्याह में, खाने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा खाने में भी, अच्छा लगेगा जैसे अच्छा लगेगा। भूजा हुआ चावल है। गुनगुन की शादी में बनाइएगा ना। हाँ आइएगा ना गुनगुन की शादी में। आएंगे बुलाएगी तो कहे नहीं आएंगे, हम आपको लेने आएंगे। ठीक है, है ना। फिर आप गुनगुन की शादी में बनाइएगा। मौसी को लेने के लिए, तो लेने के लिए आपको भी ले आए, फ्लाइट से लेके जाएंगे। तो उसके बाद मम्मी ने कहा कि तुम मुझे और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको थोड़ा बहुत मेहंदी लगा दो, क्योंकि अभी सब फ्री बैठी थी, फिर शाम को सब बिज़ी हो जाती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे भी मेहंदी लगाने के लिए दो ही दीदी लोग आई हुई थी, तो कुछ लोगों को मैं लगा लेती हूँ। ऐसा थोड़ा बहुत मेहंदी लगाना मुझे आता है, बहुत एकदम प्रोफेशनल वाली तो नहीं आती है, बट काम चलाओ मेहंदी मैं लगा लेती हूँ। तो सब मौसी सास को और मेरी सास को, मामी सास को और मेरी मौसी की जो नंदे आई थी, बुआ जी, सबको मैंने थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी जितना मुझे आता था। बाकी मेरी अब मेरी खुद की मेहंदी नहीं लगी थी, सोचा था कि रात को लगाऊंगी दीदी से अच्छे से। रात होते होते तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, और जो मेहंदी वाली दीदी है ये भी बेचारी बहुत थक गई थी मेहंदी लगा लगा कर। तो मैंने उनको बोला कि बस तुम शगुन की शॉर्टकट में कुछ भी मेहंदी लगा दो, मुझे चलेगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी बहुत मेहंदी मैंने लगाई। किसने बना के दिया चाय? ए देखो इधर बैठी है और मासी ग्लास में चाय बना के लाई। और ये देखो ये पुरुष प्रधान, हमें बाहर नहीं जाने देता, बोलता है जो खाना है इधर का। ये मेरे घर का सबसे बड़ा पुरुष प्रधान आदमी है, बताओ। ए शकल दिखा। ये देखो जाने नहीं देता हमें बाहर। चाट खाना था हमको, तो बोला हम घर में लाके देंगे, आप लोगों को बाहर नहीं जाने। इसमें चाट था, इसको तोड़ के इसमें डालना है। हाँ, और वो डाल के खाना है। तो बनवा के क्यों नहीं लाए? एक